महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनाव के बाद आए एग्जिट पोल में दिखा मिलाजुला रुख, और किसी सर्वे में महाराष्ट्र में महायुति तो किसी ने महाविकास आघाड़ी को बताया चैंपियन, झारखंड में भी उलझा दिखा एग्जिट पोल। महाराष्ट्र में 11 एग्जिट पोल में से 6 में बीजेपी गठबंधन यानी कि महायुति की सरकार बनने का अनुमान है, जबकि 4 एग्जिट पोल में कांग्रेस गठबंधन वाली महाविकास आघाड़ी ने को बहुमत मिला। एक सर्वे में हंग असेंबली की भी संभावना है। झारखंड में 8 एग्जिट पोल्स में 4 में बीजेपी नेतृत्व वाली एनडीए की सरकार बनने की संभावना है, जबकि 2 पोल्स ने इंडिया गठबंधन को और 2 ने हंग असेंबली की अनुमान लगाया है। फलौदी सट्टा बाजार के मुताबिक भी महाराष्ट्र में बीजेपी गठबंधन को बढ़त है। अनुमान के मुताबिक बीजेपी को 90 से 95 सीट मिल सकती है। राज्य में महायुति को 142 से 151 सीटें मिलने का अनुमान है। पोल ऑफ पोल्स और मैट्रिस पोल, पोल डायरी, चाणक्य स्ट्रैटेजी सहित तमाम एग्जिट पोल्स में महाराष्ट्र में महायुति की वापसी की संभावना जताई गई है। हालांकि पीएमएआरक्यू ने एमवीए को भी बहुमत से ज्यादा सीटें आने का अनुमान लगाया है। झारखंड में टाइम्स नाउ जेवीसी के एग्जिट पोल में एनडीए को 40 से 44 सीटें जबकि इंडिया गठबंधन को 30 से 40 सीटें मिल सकती हैं। झारखंड के लिए सिर्फ एक्सिस माई इंडिया ने इंडिया को बहुमत दिखाया है। एग्जिट पोल में इंडिया के लिए 53 सीटों का अनुमान है जबकि एनडीए के लिए 25 सीटें हैं। वहीं यूपी की 9 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में भी बीजेपी भारी पड़ती दिख रही है। टाइम्स नाउ जेवीसी के मुताबिक बीजेपी की 6 और सपा को 3 सीटें मिलने की संभावना है। सपा करहल सीतामऊ जैसे गढ़ बचाने में कामयाब। सीएम योगी की तमाम कोशिशों के बावजूद करहल में सपा के तेज प्रताप और सीतामऊ में नसीम सोलंकी की जीत होती दिखाई दे रही है। बीजेपी गठबंधन को फूलपुर, पुंदरकी, खैर, मीरापुर, गाजियाबाद, मचपा, कटहरी विधानसभा सीट में जीत का अनुमान लगाया गया है और मैट्रिक्स ने बीजेपी को 7 और सपा को 2 सीट जीतने का अनुमान लगाया। महाराष्ट्र में सीएम के तौर पर मौजूदा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सबसे ज्यादा 35.8% लोगों की पसंद है। यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे को 21.7% और देवेंद्र फडणवीस को 11.7% वोट मिले हैं। एनसीपी प्रमुख अजीत पवार को मात्र 2.3% और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले को 1.3% लोग सीएम के तौर पर देखना चाहते हैं। झारखंड में एक्सिस माई इंडिया के मुताबिक 41% लोग सीएम के तौर पर हेमंत सोरेन को ही देखना चाहते हैं, जबकि चंपई सोरेन को मात्र 7% और बाबूलाल मरांडी को 13% लोगों ने किया पसंद। झारखंड बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने चुनाव बाद आए एग्जिट पोल पर जताया भरोसा, कहा कि राज्य में हमारी सरकार बनेगी। हालांकि मरांडी ने एक बार फिर खुद को सीएम पद के दावेदार से किया अलग। झारखंड के पूर्व सीएम चंपई सोरेन ने भी एनडीए सरकार बनने का जताया भरोसा, कहा कि राज्य में घुसपैठ बड़ा मुद्दा, लोगों ने गंभीर मसले को ध्यान में रखकर किया है मतदान। रांची से जेएमएम प्रत्याशी महुआ मांझी ने एग्जिट पोल्स को किया खारिज, कहा कि ये एजेंडा जमीनी सच्चाई से कोसों दूर है, इंडिया गठबंधन का सत्ता में वापस आना तय है। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने एग्जिट पोल्स के अनुमान को मोदी सरकार के कामकाज का बताया नतीजा, कहा कि देश भर में चल रहे विकास को झारखंड के लोग भी महसूस करना चाहते हैं। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने एग्जिट पोल्स पर कहा कि जब जब वोटिंग परसेंटेज बढ़ता है तब तक बीजेपी को फायदा होता है। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और एनसीपी नेता छगन भुजबल ने एग्जिट पोल्स पर जताया भरोसा, कहा कि 23 नवंबर को हमारी सरकार फिर से बनने जा रही है। भुजबल ने किया दावा, लोकसभा चुनाव के बाद से हालात बदले हैं। महाराष्ट्र कांग्रेस प्रभारी रमेश चेन्नीथला ने एग्जिट पोल्स के अनुमान को किया खारिज और कहा कि एग्जिट पोल्स की हवा तो लोकसभा चुनाव में ही निकल चुकी थी। महाराष्ट्र चुनाव के एग्जिट पोल पर यूपी नेता आनंद दुबे ने कहा कि हम एग्जिट पोल पर सवाल नहीं करना चाहते, एग्जिट पोल पर कितना विश्वास करना है कितना नहीं ये हम नहीं जनता पर छोड़ चुके हैं। मुंबई की मुंबा देवी सीट से शिवसेना उम्मीदवार शायना एनसी ने एग्जिट पोल्स पर उठाए सवाल, कहा कि एग्जिट पोल्स एग्जैक्ट पोल नहीं होते हैं और इसका हश हम हरियाणा और लोकसभा में देख चुके हैं। कांग्रेस नेता अमित देशमुख ने एग्जिट पोल्स को किया खारिज, कहा कि लोगों में महाविकास आघाड़ी सरकार को वापस लेने का उत्साह मतदान में दिखा। महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव के एग्जिट पोल पर बीजेपी नेता सैयद शहनवाज हुसैन ने कहा कि महाराष्ट्र की जनता अपार बहुमत से महायुति की सरकार बना रही है और झारखंड में बदलाव तय है। यूपी में 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के एग्जिट पोल पर मंत्री जयवीर सिंह ने कहा कि बीजेपी प्रचंड बहुमत से सभी 9 सीटें जीत रही है।
यूपी उपचुनाव के एग्जिट पोल को समाजवादी पार्टी ने किया खारिज। सपा सांसद डिंपल यादव और धर्मेंद्र यादव में पूर्व अनुमानों को बताया बकवास। कहा कि 23 नवंबर को दिखेगी 2027 की तस्वीर। महाराष्ट्र की 288 और झारखंड में दूसरे चरण के तहत 38 सीटों के लिए बुधवार को वोट डाले गए। चुनाव आयोग के मुताबिक महाराष्ट्र में 65.8% और झारखंड के दूसरे चरण में 68.45% हुआ मतदान। महाराष्ट्र की सभी 288 सीटों पर बुधवार यानी कि 20 नवंबर को एक फेज में हुए चुनाव, जबकि झारखंड की 81 सीटों के लिए 13 नवंबर को 43 और 20 नवंबर को 38 सीटों पर वोटिंग हुई। महाराष्ट्र में